प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने नव नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के अनियमित व मनमानी कामकाज से तंग आकर पूर्व सरपंच विजय तड़स के साथ रोगियों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा दिया। यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महीनों से ईमानदारी से सेवा कर रहे डॉक्टर मिलिंद गुर्जर और डॉक्टर मून के स्थान पर दो नए चिकित्सक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। हालांकि ये दोनों चिकित्सा अधिकारी मनमाना काम कर रहे हैं और समय पर अस्पताल नहीं आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ रोजाना आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों से सैकड़ों मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार की रात यहां दो मरीज इलाज के लिए आए, लेकिन जब ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा अधिकारियों ने उन्हें अस्पताल में आए बिना ही टालमटोल जवाब दिया गया था, तो पूर्व उपसरपंच गिरड विजय तड़स सहित नागरिकों के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया और वहां मौजूद पुराने डॉक्टरों से मांग की कि यहां स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की मांग की। घटना की सूचना मिलते ही गिरड सरपंच राजू नौकरकार, मोहगांव ग्राम पंचायत के सरपंच विलास नवघरे, तालुका स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुनील भगत ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रवेश किया। इस अवसर पर तालुका स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुनील भगत ने पूर्व उप सरपंच विजय तड़स को डॉक्टरों को समझाने और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला खोला गया। सकाळी 9 वाजता प्राथमिक आरोग्य केंद्रात शुगरची चाचणी करण्याकरिता आलो। इथे कोणीही कोणताही डॉक्टर उपलब्ध नाही। याच्या अगोदर असणारे जे दोन डॉक्टर होते गिरडमध्ये ते रात्रंदिवस सेवा देत होते। आताच्या डॉक्टरला जर फोन केला तर फोन उचलत पण नाही। अशा पद्धतीने जर शासनाची आरोग्य सेवा जर चालत असेल तर इथल्या शेतकरी वर्गाने काय करायचं, हा एक मोठा पेज निर्माण झालेला आहे। रात्री प्राथमिक आरोग्य केंद्र इथे 11 वाजता मी पेशंट आणला असता डॉक्टरला फोन केल्यावर डॉक्टरने उडवाउडवीचे उत्तर दिले। मी त्याला विचारलं का पेशंट इमर्जन्सी आहे, त्यानंतर त्यानं म्हटलं का मी येऊ शकत नाही, मला वेळ नाही, तुम्ही उद्या सकाळी पेशंट घेऊन या। अशाच पद्धतीचं जर माहीत आहे का, जर या प्राथमिक आरोग्य केंद्राची वागणूक जर असेल याच्यात प्रशासनाचं कुठलंही लक्ष नाही। गावातले लोकप्रतिनिधीसुद्धा या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करीत आहे। वारंवार सुद्धा या गोष्टीची मी कंप्लेंट केली असता। मागच 8 दिवसापहिले मी आमदार साहेबाला या विषयावर बोललो का जे आलेले दोन्ही डॉक्टर ही रात्री बेरात्री उठत नाही आणि याचा नाक त्रास ह्या पेशंटला होता। आता 9 वाजले असताना सुद्धा ओपीडी चालू झालेली नाही। ग्रामीण भागातील सर्व शेतकरी वर्ग आहे, त्यांना सकाळी शेतीकरता जाण्याकरता जावं लागते, त्यानंतर इथं येऊन ते दोन एक एक घंटा वाट पाहून ते वापस जाते आणि नाक राफाला जनता कंटाळून आज मी स्वतः विजू तडस माजी सरपंच मी या PSCला लॉक लावत आहोत। हिंगणघाट से BCN न्यूज के लिए कैमरामैन योगेश लखोटे के साथ रवि यनौरकर की रिपोर्ट।